तो नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई, देश और दुनिया की तमाम खबरें किस तरह से क्रिकेटर्स पर असर डालती हैं, ये हमने पहले भी देखा है। हाल ही में बॉयकॉट मालदीव्स काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका रीजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में उन्होंने लक्षद्वीप में बिताए गए कुछ पलों की फोटोग्राफ डाली थी, जिस पर मालदीव के आला दर्जे के मंत्रियों ने विवादित टिप्पणी करी, जिसे देखकर और सुनकर कई खिलाड़ियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, जिसमें हार्दिक पांड्या समेत फॉर्मर क्रिकेटर सुरेश रैना, इरफान पठान और शिखर धवन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। भाई, भारत के आला दर्जे के ऑलराउंडर सुरेश रैना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने जज्बात जाहिर करते हुए लिखा है कि मालदीव्स की बड़ी आला हस्तियों के द्वारा दी गई टिप्पणी उन्होंने देखी है और इसमें भारतीयों के प्रति जो टिप्पणी करी गई है ये देखना काफी निराशाजनक है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मालदीव्स की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का काफी अहम योगदान रहता है और भारतीय मालदीव्स की टूरिज्म को काफी पसंद भी करते हैं और इस बात को भी खिलाड़ियों ने सामने रखा है, जिसमें मालदीव्स की युवा शक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम शियुना को बीच में लाया गया है, जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी और साथ ही साथ पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरों का सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ाया था। और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी इस पूरे मामले में अपनी बात रखते हुए कहा है कि भारत के बारे में जो कहा गया उसे देखकर उन्हें काफी दुख हुआ। लक्षद्वीप अपनी मरीन लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस के लिए काफी अच्छा है और ये उनकी अगली हॉलीडेज की डेस्टिनेशन जरूर होने वाली है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो 15 साल की उम्र से विदेश की यात्रा कर रहे हैं और जिसे देखते हुए भारत की होटल और टूरिज्म की असाधारण सेवा पर उनका विश्वास मजबूत हो चुका है और जिस तरह की बातें मालदीव्स की नेता कर रहे हैं ये काफी निराशाजनक है। शिखर धवन और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों ने भी इसकी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर अपने जज्बात व्यक्त किए हैं। अब इस पूरे सिनारियों को देखते हुए आपकी दोस्तों क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने जज्बात जरूर व्यक्त करें।